हेलो वेलकम यू ऑल। आज है 26 अप्रैल और आप सभी के लिए हम फिर से एक इम्पॉर्टेंट वीडियो। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के बारे में, जहां इसके सैटरडे के दिन क्वार्टर फोर के रिजल्ट्स आए हैं। तो रिजल्ट्स को देखते हुए हम नेक्स्ट ट्रेडिंग डे मतलब मंडे को कल इसमें पोजीशन बनाने की कोशिश करेंगे और एक डिसेंट प्रॉफिट निकालने की कोशिश करेंगे इसके ऑन द बिहाफ ऑफ क्वार्टर फोर रिजल्ट्स। तो आपके साथ मैं सबसे पहले क्वार्टर फोर रिजल्ट्स शेयर करना चाहूँगा, जिसके हिसाब से हमें न्यूज़ के बेसिस पे इस स्टॉक पे मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो वहीं ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने सैटरडे के दिन लगभग 31.33% का डिक्लाइन बताया है अपने नेट प्रॉफिट में। तो पहली बात, लॉस नहीं हुआ है कंपनी को, इसको डिक्लाइन हुआ है इसके नेट प्रॉफिट में फॉर द क्वार्टर एंडेड फॉर द मार्च 2020। और इसने रिकॉर्डेड किए हैं लगभग लॉसेस इन ऑन इन्वेस्टमेंट। तो जो कंपनीज के पास इंश्योरेंस का पैसा आता है तो ये भी डिफरेंट कंपनीज में इन्वेस्ट करती है, तो उस इन्वेस्टमेंट में इनको लॉसेस देखने को मिले हैं। वहीं ये प्राइवेट लाइफ इंश्योर कंपनी ने रिपोर्ट किया, इनको नेट प्रॉफिट लगभग 179.49 करोड़ का हुआ इस फोर्थ क्वार्टर में। और अगर हम ईयर एगो की बात करें तो ईयर एगो पहले लगभग 261.37 करोड़ के फ़ायदा हुआ था, वहीं अब मात्र 179.69 करोड़ का मुनाफा आया है। तो लगभग नेट प्रॉफिट में 31.36% का क्वार्टर फोर के ईयर ऑन ईयर बेसिस में डिक्लाइन देखने को मिला है इस कंपनी को। तो वहीं अगर कंटिन्यू अपनी बात में आगे करूं तो कंपनी का नेट प्रीमियम लगभग रोज हुआ है लगभग 4.17। अगर बात करें तो इस बार ही लगभग 10,475 करोड़ रहा है, और ईयर एगो की बात करें तो 10,056। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस में इनके प्रीमियम जो इनकम आती है वो लगभग इंक्रीज हुई है, मतलब इनकी लाइफ इंश्योरेंस की स्कीम्स अच्छी खासी बिक्री, इसी वजह से ये रोजअप हुई है। वहीं जो इस इनकम रोजअप होने की वजह से इन्होंने जो इन्वेस्टमेंट किए थे उसमें लगभग 18,940 करोड़ का इनको घाटा देखने को मिला है। तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा घाटा देखने को मिला है इसमें इन्वेस्टमेंट के थ्रू, जब बल्कि पिछले ईयर ऑन ईयर बेसिस लगभग 5,617 करोड़ का इन्होंने मुनाफा भी किया था फॉर द सेम क्वार्टर। तो वहीं आपको आगे बात बताना चाहूँगा, तो कंपनी ने जो नेट प्रॉफिट हुआ है कंपनी को लगभग 1,070 के आसपास, 1,069 के आसपास इनको प्रॉफिट हुआ है लगभग। डिक्लाइन अगर ईयर ऑन ईयर की बात करें तो 6.31% का डिक्लाइन टोटल देखने को मिला है इस कंपनीज के नेट प्रॉफिट में। तो पहली बात हमारे को क्या याद रखनी कि इस कंपनी में नेट प्रॉफिट कम हुआ है, लॉसेस नहीं हुए। तो लॉसेस नहीं हुए तो मतलब कि गिरावट बनने की संभावना है, क्योंकि प्रॉफिट ज़्यादा होना चाहिए वो कंपनी के लिए अच्छी बात होती है। तो यहाँ प्रॉफिट में डिक्लाइन आया है तो ये भी एक कंपनी के लिए नेगेटिव न्यूज़ है, पर इतनी ज़्यादा नेगेटिव नहीं है कि ये एकदम से ही रॉकेट डाउनवर्ड बन जाए। तो वहीं इसके अब न्यूज़ के सेंटिमेंट में तो हमारे को यही समझ आ रहा है कि कंपनी के रिजल्ट ठीक नहीं रहे पिछले क्वार्टर्स पे। अगर बात करें डिक्लाइन देखने को मिला है नेट प्रॉफिट्स में की, तो स्टॉक को डाउन जाना चाहिए अगर आप जनरल बेसिस पे देखो। वहीं अब इसके टेक्निकल एनालिसिस पे आए हैं, वन डे का हमने चार्ट लगाया है, यहाँ पे हमने लगाया है फिबोनैची रिट्रेसमेंट। फिबोनैची रिट्रेसमेंट में क्या होता है फिर आपको बताना चाहूँगा, जब भी कोई स्टॉक नीचे गिरता है तो जब वो वापस रिबाउंड करता है उसको हम रिट्रेसमेंट बोलते हैं। तो वहीं इसने लो बनाने के बाद जब रिट्रेस होना स्टार्ट किया तो फर्स्ट लेवल होता है हमारा 61.8% तक वो रिस्टेड करेगा, उसको अगर मेंटेन करता है तो 50% तक करेगा, उसको मेंटेन करता है तो 38 तक करेगा, फिर अगर 38 से ऊपर निकल जाए तो टोटल वो बुलिश मूवमेंट में आता है और स्टॉक फिर से अपने प्राइजेस को जो उसने हाई था उसका उसको फिर से टच करने के लिए पूरी तरह से निकल जाता है, उसका ट्रेंड टोटल बदल जाता है। तो वहीं अगर अभी देखें हम तो इसने 61.8 आसानी से टच किया लगभग गिरावट के तीन चार ट्रेडिंग सेशन के बाद, उसके बाद उसी रेंज में काफ़ी दिनों तक काम करता रहा, फिर 50 तक किया, फिर 50 में इसको फिर से रेजिस्टेंस देखने को मिला, और कल लास्ट ट्रेडिंग डे जो फ्राइडे को हुआ था उसने अपना 61 डेज का सिंपल मूविंग एवरेज फिर से
तोड़ता हुआ दिखा, और अब सैटरडे को आया इसके रिजल्ट जिसमें इसमें नेट प्रॉफिट में डिक्लाइन देखने को मिला है। उससे एक्सपेक्टेशन बढ़ रही है कि कल ये थोड़ा गैप अप ओपन में होगा और इसमें यहाँ पे ऐसी कैंडल हमारे को बनती हुई नज़र आ सकती है। तो टेक्निकल एनालिसिस से भी देखे तो जो इसका सपोर्ट था काफ़ी दिनों से बना 61.8%, ये आसानी से टूट गया है और ये क्लोज भी इसके नीचे ही हुआ है। वही बात को करूंगा आगे कंटिन्यू, तो रिट्रेसमेंट के अकॉर्डिंग भी हमारे को ये स्टॉक और न्यूज़ के हिसाब से दोनों एंड से हमारे को नीचे आता हुआ दिख रहा है। वही बात करेंगे तो अभी जो इसको सपोर्ट मिल रहा है ये वो इस ट्रेंड पे मिल रहा है। अगर कल ट्रेडिंग सेशन के दिन ये इसके नीचे आता है और अपनी कैंडल नीचे को स्टार्ट करता है, स्टार्टिंग की 15 मिनट्स की कैंडल हम देखेंगे और उसके बाद इसमें ट्रेंड बनाएंगे, जैसे कि आपको मैंने पिछली वीडियो में भी बनाया तो कि कैसे दिन में प्रॉफिट बुक करते हैं, इंट्राडे में 500 रुपये मैक्सिमम आप कैसे निकाल सकते हैं, तो वो वाला वीडियो में मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, आप वो भी जाके चेक कर सकते हैं। तो उसी हिसाब से इसमें हम ट्रेंड लगाएंगे, ये गैप अप ओपनिंग का इंतजार करेंगे। अगर ये इसके नीचे आता है तो हमारे को इसमें डेफिनेटली डाउन साइड का एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है और हम इसमें इंट्राडे निकाल सकते हैं। पर ये जो सपोर्ट है जिसके ऊपर अभी ये बंद हुआ है, लगभग जो इसका 20 डेज का सिंपल मूविंग एवरेज है इसी के पास ये बंद हुआ है। अगर ये इसको सपोर्ट लेता है, अगर ये इसके ऊपर ही रहता है तो फिर हम इस पर ट्रेड नहीं करेंगे क्योंकि ये जाएगा न्यूज़ के नेगेटिव, अपने ट्रेंड के नेगेटिव, तो इसमें हम उस कल ट्रेड नहीं करेंगे। वहीं आगे बात करूंगा अपनी कंटिन्यू, तो मैकडी में अगर आप देखोगे तो मैकडी में लगातार रेड कैंडल्स छोटी होती जा रही है, मतलब वीकनेस इसमें आती जा रही है, ग्रीन कैंडल का कोई नामो निशान नहीं दिख रहा है पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन से और ये साफ करके वीकनेस इस शेयर में दिखा रही है। वहीं RSI को देखोगे तो 44.24 पे अभी मेंटेन्ड है, इसमें 50 से नीचे आया है तो वीकनेस डेफिनेटली है। RSI में भी जो डाउनवर्ड की तरफ मुड़ चुका है, RSI भी वीकनेस दिखा रहा है। वहीं पिछले ट्रेडिंग सेशन की बात करेंगे तो लगभग 7% के आसपास ये टोटल डाउन रहा, दिन की टोटल मूव अगर बात करें तो डाउन भी 23 पॉइंट के साथ रहा। तो इंट्राडे के लिए हम ऐसा ही शेयर चूज करते हैं जिसमें बड़ी मोमेंटम हम हमारे को देखने को मिले, और वहीं अगर इसकी ट्रेडेड क्वांटिटीज़ और डिलीवरेबल क्वांटिटीज़ की बात करें तो लगभग 30% के आसपास इसमें डिलीवर हुई है क्वांटिटीज़। मार्केट को इंश्योरेंस कंपनीज़ पे अभी भी यकीन कि बाय ऑन डिप में इसको ख़रीदा जा सकता है। तो जो लोग इसमें पहले से बने हुए हैं या होल्ड करके रखे हुए हैं तो उनके लिए बोलूँगा लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज़ का टाइम अच्छा है आगे मार्केट पे, क्योंकि लोग इंश्योरेंस करना बंद नहीं कर रहे। बेशक मार्केट में अभी इकोनॉमी में स्लो डाउन है, पर जिन्होंने इंश्योरेंस पहले से लेके रखी है वो डेफिनेटली अभी भी अपने इंश्योरेंस का प्रीमियम भरते हुए नज़र आ रहे हैं। चाहे मार्केट की स्थिति कैसी भी रहे, लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली इस शेयर में काफ़ी अच्छे रिटर्न्स हमारे को देखने को मिलेंगे। पर अभी Q4 के रिजल्ट से आप इसमें इंट्राडे खेल के पैसा निकाल सकते हो अकॉर्डिंग टू न्यूज़ और अकॉर्डिंग टू ट्रेडिंग। फिर मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है कि कैसे आपको सेट करना है ट्रेंड और किस बेसिस पे करनी है स्ट्रेटेजी, इस पर कैसी बनानी है विद प्रूफ, आप वो जाके चेक कीजिए और मंडे को इसमें प्रॉफिट बुक करने की पूरी कोशिश कीजिए। एंड दोस्तों वीडियो लगा अच्छा प्लीज़ सपोर्ट सब्सक्राइब द चैनल, लाइक कीजिए वीडियो को, यार मोटिवेशन मिलता है कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट कीजिए, मैं उसमें डेफिनेटली रिप्लाई करूँगा, मेरा जॉब बनता है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।